हे गाइस, माय सेल्फ मॉमी हूँ और आप सभी का स्वागत है मारुति गियर बॉक्स का पार्ट टू में। सो इस पार्ट में मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि कैसे मारुति गियर बॉक्स को हम लोग फिटिंग करते हैं। सो देखिए, ये है मेन शाफ्ट और इस शाफ्ट के ऊपर सारा गियर को हम लोग असेंबल करेंगे। सो गाइस, इसका जो फर्स्ट पार्ट था उसमें मैंने आप लोगों को दिखाया था कि कैसे जो मारुति का गियर बॉक्स है उसे डिसमेंटल किया जाता है। सो वो पूरा प्रोसेस पार्ट वन में दिखाया गया है। अगर आप लोग पार्ट वन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाके वो पार्ट देख लीजिए। अगर आप लोग ये दोनों पार्ट देख लेते हैं तो आप लोगों को बहुत ही इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे मारुति का जो गियर बॉक्स है उसे डिसमेंटल किया जाता है और फिर से उसे रिफिटिंग किया जाता है। और ये दोनों वीडियो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट है या फिर जो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है वो लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। सो आप लोग ये दोनों पार्ट बहुत ही अच्छा से देखिए। और ये गियर बॉक्स थोड़ा पुराना है सो इसीलिए शायद से इसमें एक दो पार्ट मिसिंग भी है, मगर इससे हम लोगों को कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम लोगों को जो नॉलेज चाहिए वो हम लोगों को यहाँ से मिल जाएगा। देखिए, ये गियर बॉक्स जो है अभी यूज़ नहीं होता है सो इसीलिए मैंने इसको खोला है और आप लोगों को समझाने के लिए मैंने सारा पार्ट्स को जो है डिसमेंटल किया है और उसके बाद सारा पार्ट को हम लोग एक के बाद एक असेंबल भी करेंगे, जिससे आप लोगों को नॉलेज हो जाएगा कि कैसे मारुति का जो गियर बॉक्स है उसे डिसमेंटल किया जाता है और फिर से उसे रिफिटिंग किया जाता है। सो वीडियो आप लोग पूरा एंड तक देखते रहिए, मैं बीच बीच में कुछ कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देता रहूँगा। तो गाइस देखिए, ये डॉक क्लच है और डॉक क्लच का भी पूरा असेंबली मैंने खोल दिया है, जिससे आप लोग पूरा क्लियर समझ पाएँ कि डॉक क्लच को कैसे जो है सारा असेंबली खोलना है और फिर से उसे फिटिंग करना है। सो देखिए, डॉक क्लच में देखिए तीन लॉक है और दो जो है रिंग है। सो ये सारा चीज़ को कैसे फिटिंग करना है मैं आपको ये भी दिखाऊँगा। देखिए, डॉग क्लच में जो ये टीथ है, इस टीथ के लिए नीचे का जो पिनियन टाइप का है उसका अंदर एक हाउसिंग भी बना हुआ है, देखिए, जिससे ये इजीली इसमें बैठ जा रहा है। अगर आप ज़बरदस्ती करके किसी दूसरा जगह में इसको बैठाने की कोशिश करेंगे तो शायद ये ना भी बैठे, और अगर शायद ज़बरदस्ती करके ये बैठ भी जाए तो सही से काम नहीं करेगा। और देखिए, फिर इसके बाद ये लगाने के बाद ये तीनों लॉक जो है पिन लॉक, इस पिन को इस हाउसिंग में बैठा देना है और उसके बाद जो ये रिंग है, इस रिंग को इस डायमीटर का अंदर, इन्हें की जो इनर डायमीटर है उसका अंदर इसको बैठा देना है सही से, जिससे ये तीनों लॉक जो है प्रॉपर लॉक हो जाएगा और ये डॉक क्लच असेंबली जो है रेडी हो जाएगा लगाने के लिए।
देखिए ये जो मेन शाफ्ट है ये पूरा रेडी हो चुका है और इसे अब हम लोग जो लोअर केसिंग है उसका ऊपर रख देंगे। देखिए ये जो लोअर केसिंग है और इसका अंदर देखिए ये लेस शाफ्ट फिट किया हुआ है। सो ये देखिए बहुत ही फ्रीली घूम रहा है और इतना ही फ्री जो है घूमना चाहिए तभी वो सही जो है काम करेगा। और उसका बाद देखिए ये मेन शाफ्ट को मैंने इसका ऊपर रख दिया है और ये जो है प्रॉपर उसमें बैठ गया है। तो देखिए ये जो छोटा सा पेनियन है इस पेनियन को हम लोग लेस अप का जो बाहर का तरफ हिस्सा निकला हुआ है उसमें बैठा देंगे और उसके बाद जो ये रिंग लॉक है इसे भी हम लोग लगा देंगे। सो देखिए यहाँ पे रिंग लॉक थोड़ा सा डैमेज है, थोड़ा सा कट गया है, मगर उससे हम लोग कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। हम लोग जस्ट इसको नॉलेज पर्पज़ के लिए इसे आप लोग को दिखा रहे हैं और इसे जो यहाँ पर लगा देना है। उसके बाद जो ये स्टील का शाफ्ट है इसे भी हम लोग लगा देंगे और इसका ऊपर भी एक जो है पेनियन हम लोग को बैठाना है। और ये स्टील शाफ्ट को लॉक करने के लिए इस प्लेट को हम लोग को लगाना पड़ेगा जो कि ये शाफ्ट को पकड़ के रहेगा और इस प्लेट को जो है दो बोल्ट आएगा, दो बोल्ट से हम लोग इसे जो इस ब्लॉक के साथ है टाइट कर देंगे। उसके बाद देखिए ये अपर केसिंग है और अपर केसिंग में देखिए ये फॉक लगा हुआ है और ये फॉक जो है डॉग क्लच के ऊपर फिट होके बैठ जाता है और इसी से जो है गियर को हम लोग चेंज कर पाते हैं। सो इसको बहुत ध्यान से लगाना पड़ता है कि ये सही से डॉग क्लच के ऊपर बैठे, अगर सही से नहीं बैठेगा तो ये चेंबर जो है सही से फिटिंग भी नहीं होगा और सारा गियर शिफ्टिंग जो है काम भी सही से नहीं करेगा। सो ये हम लोगों को सही से देख के बैठाना पड़ेगा। देखिए चेंबर जो है बैठ गया है और ऊपर से जितना भी बोल्ट्स है ये सारा बोल्ट्स को हम लोग जो है टाइट कर देंगे जिससे ये सही से टाइट हो जाएगा और नीचे का जो केसिंग है उसके साथ ये अपर केसिंग सही से माउंट हो जाएगा। सो देखिए ये है गियर शिफ्टर और ये पूरा उसका हाउसिंग है। सो इसे भी मैं आप लोग को खोल के दिखाता हूँ कि गियर शिफ्टर का अंदर कैसे चीज़ लगा हुआ रहता है जो कि हम लोग को गियर चेंज करने में हेल्प करता है। तो देखिए गियर शिफ्टर का अंदर कुछ इस तरह से रहता है जो कि अप एंड डाउन एक चीज़ मूवमेंट करता है और दूसरा वाला जो है लेफ्ट एंड राइट मूवमेंट करता है। सो जिससे हम लोगों को गियर चेंज होता है और इसे मैं फिर से लगा देता हूँ। इसे मैंने जस्ट इसीलिए खोला था कि मैं आप लोगों को दिखा पाऊँ कि इस शिफ्टर का अंदर कैसे चीज़ लगा हुआ रहता है और ये काम कैसे करता है। सो मैं इसे फिर से बोल्ट अप कर देता हूँ और जो ब्लॉक का साथ है इसे माउंट कर देता हूँ। तो देखिए गियर शिफ्टर तो रेडी हो चुका है और इसे मैं ब्लॉक का साथ फिटिंग कर देता हूँ और जो जो बोल्ट्स इसमें लगा हुआ था वो सारा बोल्ट्स मैं इसका साथ टाइट करके पूरा इसको माउंट करके रेडी कर देता हूँ।
गाइस देखिए ये पूरा गियर बॉक्स रेडी हो चुका है और ये फुल फिटिंग कंप्लीट है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक जरूर लाइक कीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।